आज की इस कक्षा में हम प्रश्नावली 2.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। पार्ट वन वीडियो में हमने इसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 से 4 तक को हल किया था। आज इस पार्ट टू वीडियो में हम प्रश्न संख्या 5 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अर्थात ये जो संख्याएं दी गई हैं, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हमें पता करना है कि और कितना इसमें जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और साथ ही साथ जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी उसका वर्गमूल भी बताना है। तो इसका मैं चौथा प्रश्न ले रहा हूं, 4931। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि इस संख्या को लिखता हूं, 4931। अब एक इधर लंबवत रेखा और एक यहां पर क्षैतिज रेखा खींचता हूं। अब दाहिनी ओर से एक एक रूम पर बार लगा रहा हूं। देखिए, अब इस 49 में हमें ऐसी संख्या से भाग देना है कि उस संख्या को उसी से गुणा करेंगे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, हम 7 से करते हैं, 7 × 49, क्योंकि हम 7 का पहाड़ा भी हमें याद है, 7 × 49। तो ये हमारा शेष आ गया 0, 0। अब हम अगली बार के अंतर्गत जो संख्या है 31, इसे शेषफल में लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 7 है इससे दुगना कर देंगे, अर्थात इसमें और 7 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 14। अब 14 को इस तरह से लिख रहे हैं कि दाहिनी ओर एक स्थान खाली रहे, रिक्त रहे। अब हमें यहां पर ऐसे अंक को बैठाना है, तो ये 3 अंक की संख्या हो जाएगी। अब इससे हमें इस 31 में भाग देना है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम 1 भी बैठाते हैं तो ये 3 अंक की संख्या है और ये 2 ही अंक की संख्या है, तो 1 तो हम बैठा नहीं सकते हैं, तो क्या बैठाएंगे हम यहां, 0, क्योंकि 0 और 0 से ही गुना करेंगे, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को हम गुना करते हैं तो 0 होता है, तो यहां पर हमारा हो जाएगा 0 और ये हमारा शेषफल आ जाएगा 31। अब इस बार के आगे और कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए अगली बार है नहीं, तो कोई तो ये हमारा शेषफल यही रह जाएगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि हमारा जो शेषफल आया ये है 31। और एक चीज हम यहां और भी देख रहे हैं कि 70 का वर्ग इस 4931 से छोटा है, छोटा है तभी तो ये शेषफल आ गया। तो अगली, इसलिए जो अगली पूर्ण वर्ग संख्या, अगली पूर्ण वर्ग संख्या ये कौन सी होगी, 70 के बाद 71 का वर्ग, 71 का वर्ग, और इसे आप करेंगे 71 का वर्ग, तो ये आपका आएगा, आप करके देखिए। चलिए करते हैं, यहां पर 71 × 71, तो 1 से हुआ, 1 × 1 = 1, 1 × 7, फिर 7 से देंगे, 7 × 7 = 49। ये गुना करना तो आप जानते हैं, पहले सीख चुके हैं, 1 × 7 = 14 = 4, हाथ में रहा 1, 9 × 1 = 10 = 0, हाथ में रहा 1, 4 × 1 = 5, तो ये आ गया 5041। तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या हमारा 5041 होगा। तो अब हमें देखना है कि ये 4931 में कितना जोड़ेंगे कि ये 5041 हो जाए। इसलिए वांछित संख्या जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए था, कितना जोड़े, तो वांछित संख्या बराबर 5041 - 4931, तो ये देखिए 110 हो गया। अर्थात 4931 में हमें कितना जोड़ना होगा,
110 जोड़ना होगा। और जो वर्गमूल है जो हमें चाहिए था पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, तो ये 5041 का वर्गमूल होगा और ये होगा कितना हो जाएगा, ये 71 हो जाएगा। तो हमें जो आंसर चाहिए था, आंसर क्या चाहिए था, आंसर हमें चाहिए था कि कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसका हमारा आंसर है कितना जोड़ेंगे हम, 110। और दूसरा जो हमें चाहिए था, प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो प्राप्त पूर्ण संख्या का वर्गमूल हमारा कितना है, 71 है। प्रश्न संख्या 6 यह है, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जो पूर्ण वर्ग हो। आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चार अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये होगी 9999, यानी 9999। ये चार अंक की सबसे बड़ी संख्या है। तो हमें प्राप्त करना है कि चार अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी जो पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले इसका लॉन्ग डिवीजन हम करते हैं, दीर्घ विभाजन। पहले की तरह इधर एक लंबवत और इधर एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं। अब हम यहां पर दाहिने से बाईं ओर एक एक युग्म पर बार लगाते हैं। एक बार हो गया, ये दूसरा। अब यह है 99। तो हमें 99 में ऐसी संख्या से भाग देनी है कि उस संख्या को उसी से गुणा करें। तो ये हम लोग देख रहे हैं सबसे बड़ी हमारी जो अंक है वो 9। तो 9 से हम करेंगे 9×81 आता है। चलिए 9 से देते हैं, 9×81। ये 9 से 1 घटा तो 8 आ गया और 9 से 8 घटा तो 1 आ गया। अब हम ये जो अगला युग्म है इसे इसके बगल में दाहिनी ओर लिखते हैं। और अब क्या करेंगे कि इस 9 को दुगना कर देंगे, या यूं कहें कि 9 में 9 और जोड़ देंगे। तो ये हो गया 18। इसे इस तरह से लिखते हैं कि दाहिना एक स्थान रिक्त रहे। अब हमें यहां पर ऐसे ऐसी अंक बैठानी है कि उससे ये जो तीन अंकों की संख्या बनेगी उससे इस 1899 में भाग देंगे। तो क्या हम बैठा सकते हैं, अब तो हमको गेस करना पड़ेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं 9 है। तो अगर हम जानते हैं कि 7 का वर्ग करते हैं तो इसका इकाई स्थान में 7 है, इसका जो वर्ग होगा इस संख्या का, तो जो वर्ग संख्या होगी तो उसके भी इकाई में 9 होगा, है ना। तो इसे 7 बैठा के हम देखते हैं क्या होता है। 7×7=49 और 4×7=56 और 56 में 4 जोड़ देंगे, ये 56 में 4 जोड़ेंगे तो ये 60 हो गया। 0×6 और उसके बाद 7×7 और 6×13, तो ये तो बहुत कम है ना। तो चलिए और एक आगे बढ़ते हैं, 8×8। अब इसको करते हैं 8×8=64, 8×8=64, 7×6 8×8=64 और 6×70 का 0, 7×7 8×8 और 7×15। ये भी अभी कम लग रहा है, चलिए एक और आगे बढ़ते हैं, 9। तो 9×81 का 1×8 9×8=72 और 8×80 का 0, 8×8 9×9 और 8×7। तो ये 9 से हम इसे गुना करते हैं, तो ये आ जा रहा है हमारा 1701। तो अब हमारा देख रहे हैं शेष क्या आ रहा है, 9 से 1 घटा रहे हैं तो 8 हो गया, 9 से 0 तो 9, 8 से 7 घटाए तो 1।
अर्थात 99 का वर्ग में जब हम करते हैं तो ये यहां पर ये शेष इसमें आ जा रहा है 198। तो हम यहां देखते हैं शेषफल क्या है, शेषफल बराबर 198। अर्थात अगर 9999 से अगर हम 198 198 अगर हम घटा दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी जिसका वर्गमूल होगा 99, है ना। इसलिए वांछित पूर्ण वर्ग संख्या ये क्या हो जाएगा, 9999 में से हम 198 को घटा देते हैं तो ये हो गया 9801, है ना। तो वांछित पूर्ण संख्या हमारा निकल गया 9801, 9801। प्रश्न संख्या 7, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होगा ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 1,00,000, एक पर 5 शून्य। तो सबसे पहले हम इसका लॉन्ग डिवीजन करते हैं। एक लंबवत रेखा और एक क्षैतिज रेखा। अब दाहिनी ओर से हम प्रत्येक युग्म पर बार लगाते हैं। एक बार ये हो गया, ये दूसरा बार और ये तीसरा बार। तो 10 में हमें भाग देना है तो ये 3 से जाएगा, 3 3 9, शेष आ गया 1। अब ये जो 2 शून्य है अगला, इसे हम इसके दाहिनी ओर लिखते हैं। अब इस 3 को हम दुगना कर देते हैं या 3 में 1 जोड़ देंगे, जो कहें आप। 3 दुना 6 और दाहिना एक स्थान जो है रिक्त रखते हैं, 6 को इस तरह से लिखते हैं। अब इस 6 के ये दाहिने में हम क्या बैठाएंगे कि ये तो 2 अंक की संख्या बन जा रही है और इससे जो भी बैठाएंगे उसी से फिर गुना करके हम यहां पर भाग देंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या बैठ सकता है। अगर हम ये देख रहे हैं कुछ भी यहाँ पर बैठाएंगे तो 60 से ऊपर होगा और ये 100 है। अगर हम 2 बैठाएंगे तो सीधे ये 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 ही बैठेगा, 1, ये 1 हो जाएगा, 1 रख रहे हैं तो 61 एका यहाँ पर 61 हो गया। ये तो ये 10 से 1 गया तो ये 9 हो गया और ये 9 हुआ, 9 से 6 हो गया 3। अब अगला जो 2 शून्य है इसे हम इसके बगल में रखते हैं और अब क्या करेंगे हम कि 1 को दोगुना कर देंगे। तो 1 को दोगुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा और ये 6 रहेगा, इकाई का एक स्थान छोड़ दे रहे हैं। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, 1 को दोगुना कर रहे हैं यानी हम 1 में 1 और जोड़ दे रहे हैं। तो जिस तरह से आपको समझ में आया आप समझ सकते हैं, हम 1 को दोगुना कर रहे हैं या इसमें 1 और 1 को में 1 और 61 में 1 और जोड़ दे रहे हैं, ये इकाई वाले को हम और जोड़ देते हैं। और यहां पर एक स्थान हमारा दाहिनी तरफ रिक्त है। अब हम यहां पर क्या बैठाएं कि फिर ये जो 3 अंक अंकीय संख्या बनेगी उससे उसी अंक से हम उसको उसी अंक से गुना करेंगे। तो आप देखिए यहां पर क्या बैठा सकते हैं, यहां 0 है तो अगर हम 0 में बैठा देंगे तो 0 हो जाएगा। और अगर हम यहां पर कुछ भी बैठाएंगे तो 600 से ऊपर हो रहा है, ये हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 2 अंक है
यहाँ एक अंक होगा, ये दो अंक हम इग्नोर करते हैं, इधर से भी दो अंक को इग्नोर कर देते हैं, तो ये बच गया छः। ये गेस करने का एक जस्ट तरीका है। तो ये छः बच गया और यहाँ 39, तो छः से हम 39 में कितनी बार दे सकते हैं भाग, तो 6 6 36 छः बार हो सकता है, और 7 करेंगे तो 6 7 42 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 6 बैठा के देखते हैं, 6 तो 6 6 36 का 6 हाथ में रहा 3, और 6 2 12 3 15 का 5 हाथ में रहा 1, 6 6 36 और 1 37। और 7 बैठाएंगे तो निश्चित रूप से 7 6 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो यही 6 ही होगा, 6 हो गया। और ये 6 यहाँ पर लिखे, और ये यहाँ पर हो जाएगा 37 56। अब हम इसे घटा रहे हैं, 10 से 6 गया 4, ये 9 हो गया, 9 से 5 4, और ये 8 हो गया, 8 से 7 1, और इधर 0। तो हमारा शेष आ गया 144। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या, शेषफल बराबर 144। तो अब हम देख रहे हैं कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें बताना है। चलिए यहां 316 का जो वर्ग हो रहा है ये छोटा है इससे, है ना? तो 100,000 से जब ये छोटी हो जा रही है तो निश्चित रूप से ये 6 अंकीय संख्या ये नहीं होगी, ये 5 अंकीय संख्या होगी। तो अगली जो संख्या होगी, अगली अगली पूर्ण वर्ग संख्या, ये क्या हो जाएगा, 317 का वर्ग, 100489। समय की बचत के लिए मैंने पहले से गुना कर लिया, आप खुद से इसे गुना करके वेरीफाई करेंगे। 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी 100489, अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,489। प्रश्न संख्या 8। एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी है, यदि क्षेत्रफल 6,144 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लिया कि आयत की चौड़ाई x सेंटीमीटर, छोटी चौड़ाई ही है इसलिए इसे मानते हैं। अब आयत की लंबाई कितनी होगी, इसकी 6 गुनी हो जाएगी, यानी 6x हो जाएगी। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 6x गुना x, 6x स्क्वायर। अब प्रश्न से ये जो 6x स्क्वायर है ये बराबर है 6,144 के, या x स्क्वायर बराबर 6,144 बटा 6। तो हम इसे कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, तो ये 6 1 6, ये 1 है तो 0 हो गया। अब ये 14 में जाएगा तो 6 2 12 2 बच गया, ये 24, 6 6 24, यहाँ हो गया 6 1 6, और ये कट के हो गया ये, तो ये आ गया 1024। इसका अर्थ क्या हुआ कि x बराबर हो गया हमारा 1024 का वर्गमूल। तो आइए भाग दीर्घ विभाजन विधि से हम इसका पहले वर्गमूल निकालते हैं 1024 का। तो पहले की तरह हम लंबवत और क्षैतिज रेखा खींचते हैं। अब दो दो युग्म पर, एक एक युग्म पर हम एक एक बार खींचते हैं, ये हो गया। 10 में अब हमें भाग देना है तो निश्चित रूप से ये 3 से जाएगा, 3 3 9, हासिल आ गया, शेष आ गया 1।
अब ये जो अगले जो बार के अंतर्गत है 24, इसे हम शेष के बगल में दाहिनी ओर लिखते हैं, ये हो गया। अब इस 3 को हम दुगना कर देते हैं, 3 × 2 = 6, और इकाई का जो स्थान है इसे ऐसा लिखते हैं कि इकाई के स्थान को खाली रखते हैं, रिक्त रखते हैं। तो अब हम यहां क्या बैठाएं कि 124 आ जाए, हा? तो हम देखते हैं कि 2 अगर बैठाते हैं तो 2 का जब वर्ग करते हैं तो उसके इकाई में, वर्ग संख्या की इकाई में 4 आता है। तो हम देखते हैं 2 बैठा के 2 × 2 = 4 और 2 × 6 = 12, ये हो गया। तो ये 2 बार जाता है तो ये हो जाता है 124, और ये शेष हमारा आ गया 0। इसका अर्थ ये हुआ कि x बराबर हमारा आ गया कितना, 32। तो ये हमारा चौड़ाई, इसलिए ये जो चौड़ाई है, x क्या थी, चौड़ाई, चौड़ाई बराबर 32 सेंटीमीटर। तो लंबाई क्या होगी, लंबाई बराबर 6 × x था, 6x था, तो 6 × 32, तो ये हो जाएगा 6 × 2 = 12 का 2, हाथ मेरा 1, 6 × 3 = 18 और 1 = 19, ये सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा आयत का लंबा, चौड़ाई और लंबाई आ गया।